जब भी भारत के अंदर हमने राज की व्यवस्था की बात की तो भारत के अंदर रामराज्य एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मान्य हुई। रामराज्य एक ऐसी व्यवस्था के रूप में जिसमें आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के दुख के लिए कोई स्थान नहीं। भारत के अंदर एक आदर्श राज की वह व्यवस्था जिसमें भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति जिसके बारे में कई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंत्योदय की बात की थी, उन्होंने कहा था कि जब आर्थिक उन्नति की बात होगी तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हमें बात करनी होगी तो यह बात ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से हम इस बात के पैमाने की जांच हमें करनी चाहिए। प्रभु राम आज भी हम सबके आदर्श है। इस मामले में जब हम देखते हैं तो राम राज्य की अवधारणा भारत के अंदर आदर्श राज्य के रूप में मानी गई। हजारों वर्षों से परंपरा को भारत मानता रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी जब किसी ने पूछा कैसा राज होना चाहिए, उन्होंने कहा राम राज्य होना चाहिए। सबने का आदर्श राज्य के रूप में उसको मान्यता दी क्योंकि वहां पे एक सामान्य नागरिक की भी बात होती है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता है, कोई अन्याय किसी के साथ नहीं होता है। हर व्यक्ति परस्पर मिलकर के, एक दूसरे के साथ मिलकर के अपनी व्यवस्था का संचालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह आदर्श व्यवस्था रामराज्य की जो हम लोगों ने प्राचीन काल से मानी है, व्यवस्था कोई भी रही हो लेकिन एक कॉमन मैन की बात को महत्व दिया जाना यह सबसे मायने रखता है। और जिस भी शासन व्यवस्था में इस परंपरा को मान्यता मिली वह व्यवस्था लोगों ने उसको आदर भाव के साथ देखा है।